दबंग सरकार की फाइनली डेट जो आई है वो हमारी छठ पूजा के शुभ अवसर पे आई है और छठ में हम लोग इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म को देखिए काफी हाइप है, मतलब काफी दिनों से फिल्म चर्चाओं में है, कोई डेट आती है कि अब रिलीज होगी, तब नहीं होती है, दो रिलीज डेट नहीं, अभी तक हम लोगों ने कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं करी है। कोशिश कर रहे थे दुर्गा पूजा पे के शुभ अवसर पे आने का, बट कुछ सेंसर का प्रॉब्लम था और मुझे यूए सर्टिफिकेट चाहिए था, तो यूए सर्टिफिकेट के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, वो हम लोगों को करने में थोड़ा सा लेट हो गया, और बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोगों ने कभी आके चैनल पे आके या कहीं पे भी आके ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। दिस इज़ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि छठ पूजा के शुभ अवसर पे हमारी फिल्म आ रही है। हाँ, ऐसे तो जब बात होती है तो मजाक में वो सारी बातें जब याद करी आती हैं तो कहते हैं भैया बड़ी वो उसमें थे, मेहनत कराई आपने, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने मेहनत नहीं कराई, आपने मेहनत कराई। और एक ये एक्टर की बहुत बड़ी पहचान है कि उन्होंने कैरेक्टर देखा, उस कैरेक्टर में बॉडी चाहिए थी, क्योंकि माचो मैन का पूरा रोल था तो बॉडी चाहिए थी, तो उन्होंने उस शेप में अपने आप को डाला। प्लस बालों का जहाँ तक सवाल है तो उनको मैंने बोला, चूँकि ये पुलिस वाले का कैरेक्टर है और एक दबंग पुलिस वाले का कैरेक्टर है, तो पुलिस में रूल होता है या जो भी फोर्स होता है उसमें रूल होता है कि उसमें बाल छोटे होते हैं, तो मैंने इनसे एक बार बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, फिल्म फोर्स से रिलेटेड फिल्म है, तो उन्होंने कहा नो इशू, मैं बाल कटवा लूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए, लास्ट तक बाल नहीं कटवाए, इसलिए नहीं कटवाए कि कहीं गलत ना कटवा लें। और जब वो सेट पे आए तो उन्होंने मुझे बोला कि योगेश जी आप अपने हिसाब से जैसा आप बाल चाहते हो वैसा कटवाए। मैंने उनसे पूछा भैया बाल नहीं कटवाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपके ही थ्रू कटवाना चाहता हूँ, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा काट दिए कम काट दिए तो आप कहोगे नहीं नहीं ज़्यादा हो गया। यही हाल संजय पांडे जी का हुआ था, उसमें उनको ज़ीरो बाल करने थे, तो संजय भैया को पता नहीं था कि ज़ीरो बाल कितने छोटे होते हैं और हमने बताया भी नहीं। उसके बाद जब मैंने उनको ट्रिमर लगा के ज़ीरो बाल किए और एक छोटी सी चुटिया रखी, तो उन्होंने देखा कह रहे यार तुमने तो मेरे सारे बाल काट दिए, मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया आप एक बार अपना कैरेक्टर देख लो, जब सिनेमा में आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो पहला जो टेक हुआ था वो करीब रात में 2:30 बजे हुआ था, तो जब वो पूरा टेक हुआ, सीन हुआ और सब रेडी होके जब उन्होंने देखा पीछे मॉनिटर पे, तो मेरे पास आए और उन्होंने मेरी पीठ थपाई, कहें क्या कैरेक्टर है यार। तो उनको समझ में आया कि बाल कटवाने से हम क्यों सोच रहे थे बाल कटवाना, तो बाल कटवाना कोई पर्सनल इशू नहीं रहता है, बाल हमारे कैरेक्टर की डिमांड थी इसलिए कटवाया था, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए ओके किया, बाल कटवाए। जी हाँ, देखिए जहाँ तक हम करियर की बात करते हैं तो आकांक्षा जी किसी करियर की मोहताज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ किसी करियर की ऐसी कोई कमी है, उनका खुद का अपना हिंदी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये तो एक प्लस पॉइंट था, एक अलग लीग से अलग हटके पहली भोजपुरी फिल्म करी, और एक अच्छी फिल्म है, हिंदी फिल्में तो डेढ़ साल दो साल में आती हैं, अब अगर अच्छी फिल्म है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इससे उनके करियर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो क्योंकि उनका करियर ऑलरेडी स्ट्रांग है। मैं तो बहुत दिनों तक साथ में रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनको किसी ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना तो उनके करियर को प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश एक्ट्रेस हैं। एक्सीडेंट हुए थे, हाँ उनको चोट लगी थी, हम लोग एक फाइट सीन कर रहे थे, उसमें एक बैलगाड़ी का पहिया सामने से निकलना था और इनको कैमरे की तरफ देख के चलना था, तो पहिया क्या होता है वो जाने की बजाय मुड़ गया, तो बैलगाड़ी का पहिया बहुत बड़ा होता है, तो उस पर वो डायरेक्ट बगैर देखे कैमरे की तरफ देख लुक था और वो गिर गए, तो उनके पैर में माइक्रो हल्का सा फ्रैक्चर भी आया था और पूरा ये हाथ भी कटा था, तो ये एक मेजर एक्सीडेंट था, बट उससे उन्होंने शूट पे कोई प्रभाव नहीं। खेसारी जी बजरंगबली हैं, इसीलिए उसमें दंगल में उनको मैंने बजरंगबली की मूर्ति के उसमें दिखाया है रूप में, क्योंकि वो बजरंगबली है, वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, वो 34 दिन मैंने काम किया उनके साथ, बहुत अलग एनर्जी के हैं खेसारी भाई, अलग हैं वो, मस्त है।